हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल. दिस निवेदिता. हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन. आज जो मैं एक रेसिपी लेकर आई हूँ वो फिश करी का रेसिपी है. बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है उसका. एक्चुअली फिश करी स्पेशल छाड़ाखाई के लिए है. छाड़ाखाई ओडिशा के पीपल इसको सेलिब्रेट करते हैं. और मेरी वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच कीजिए बिना स्किप किए. अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. होप ये मेरे वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा. तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. तो चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. इसमें मैं 1 किलो लगभग फिश है और इसमें मैं मैरिनेट करके इसको अच्छे से रखी हूँ. मैरिनेट के लिए इसमें नमक और हल्दी का यूज की हूँ. देखिए अब मैरिनेट तो बढ़िया से हो गया है. देन हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और एक पैन चढ़ाएंगे. इसको गर्म होने तक हम वेट करेंगे. पैन तो अब गर्म हो गया है. चलिए इसमें हम मस्टर्ड ऑयल पुट करते हैं. मस्टर्ड ऑयल में नॉनवेज की जो भी रेसिपी है, चाहे चिकन हो, मटन हो, फिश हो, तो ना इस मस्टर्ड ऑयल में बनाइए. इसका टेस्ट अमेजिंग आएगा. और ये जो फिश करी है मैं मेरे स्टाइल में बनाई, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आया है. तो चलिए मैं किस तरह बनाती हूँ देखिए. पहले हम फिश को फ्राई करेंगे. इसको हमें थोड़ा डीप फ्राई करना है. थोड़ा कवर कर देंगे. देन इसको हम पलटाएंगे एक एक करके. देखिए फिश अब फ्राई हो गया है बढ़िया से. इसको हम एक पॉट में निकाल देते हैं. देखिए इस तरह से फ्राई करना है. देन मसाला के लिए यहाँ पर मैंने जीरा, धनिया सब 1-1 स्कूप ली हूँ. रेड चिली, अदरक, लहसुन. और 2 ग्रीन चिली. तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे. आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है चिली कम कर सकते हो. और ग्रीन चिली इसमें थोड़ा पीसना है क्योंकि टेस्ट फिश करी में टेस्ट एनहांस होता है ग्रीन चिली डालने से मसाला में. अब देखिए इसी तरह से एक फाइन पेस्ट बनाना है. देखिए जो प्याज में रखी थी इसको फाइन चॉप करके रखी हूँ. 2 बड़े प्याज ली थी, इसको ऑलरेडी मैं फाइन चॉप करके रखी हूँ. इसी तरह से काटना है. और 2 बड़े टमाटो को चॉप करके इसका टमाटो प्यूरी बनाना है. देखिए फिर सब तो फ्राई हो गया है. उसी तेल में हम प्याज को हम इसमें पुट करेंगे जो तेल बच गया था. और प्याज को हमें बढ़िया से फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है. प्याज अब बढ़िया से फ्राई हो गया है. देन इसमें हम मसाला पुट करेंगे जो ग्राइंडिंग करके पहले से रखे थे. मसाला हमें फ्राई करना है. तब तक फ्राई करना है जब तक इसका तेल ऊपर ना आ जाए. थोड़ी सी हल्दी इसमें मसाला में ऐड कर रही हूँ. मैरिनेट के टाइम ऑलरेडी मैं सॉल्ट पुट की थी फिश में, लेकिन सॉल्ट जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको डालना है. तो इसमें और थोड़ी सी मैं सॉल्ट पुट कर रही हूँ.
देन मसाला को प्रॉपरली फ्राई करेंगे। देखिए सारे तेल ऊपर आ गया है, मसाला अब तेल छोड़ दिया है। अब टमाटो प्यूरी को इसमें हम पुट करेंगे। देन इसको प्रॉपरली हम मिक्स करेंगे मसाले के साथ और थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे। ये जैसे अच्छे से फ्राई हो जाए, देखिए मसाला अब बढ़िया से फ्राई हो गया है। अब इसमें जो फिश फ्राई करके हम पहले से रखे थे इसमें अब हम पुट करेंगे। मसाला में मैं थोड़ी सी गर्म पानी ऐड करूँगी ग्रेवी के लिए। ग्रेवी तो ज़्यादा नहीं रखना है, फिर भी ये देखिए सूखा आम, इसको ओडिशा में आंबुला बोलते हैं। ये आम से प्रिपेयर किया जाता है। जो गरम मसाला में मैंने इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, दो तीन लौंग और चार पांच काली मिर्च, इस सब मिक्स करके इसको अच्छे से कूट के इसको मैं अब मैं पुट करूँगी। आप क्या कर सकते हैं, आप गरम मसाला जो नॉर्मली मार्केट में मिलता है वो भी पुट कर सकते हो। नॉर्मली मेरे वीडियो में देखे होंगे थोड़ा अवॉइड करती हूँ मार्केट की मसाला, मैं खुद बनाती हूँ मसाला, वो डायरेक्ट मैं पीस के बनाती हूँ यूज करती हूँ। आप भी इस तरह यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी टेस्ट की कमी नहीं होता है और प्रॉपर चीज़ भी हम खा सकते हैं। देखिए फिश करी कितना डिलीशियस दिख रहा है, इट्स लुकिंग सो नाइस। तो हैप्पी छड़ो खाई टू ऑल, प्लीज एंजॉय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू व्यूअर्स, बाय बाय।